हेलो एंड नमस्कार एवरीवन मेरा नाम है दीपाली कॉल मेरे चैनल इमरामा टैरों पे आने के लिए थैंक यू सो मच ये एक जनरल रीडिंग है फॉर द नेक्स्ट टेन डेज स्टार्टिंग फ्रॉम ऑफ अक्टूबर टू ट्वेंटी अक्टूबर इसमें हम देखेंगे आपके करियर मनी मैरिज एंड हेल्थ के लिए क्या मैसेजेस हैं आइए स्टार्ट करते हैं यूनिवर्स प्लीज बताइए सजिटेरियस के लिए क्या जनरल मैसेजेस हैं फॉर द नेक्स्ट टेन डेज करियर हेल्थ वेल्थ मैरिज मनी इलेवन टू ट्वेंटीरियस के लिए क्या जनरल मैसेजेस हैं यूनिवर्स प्लीज बताइए करियर के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर साजिट मनी के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर साजिटेरियस इलेवन टू ट्वेंटी अक्टूबर मैरिज के लिए क्या मैसेजेस ओके मैरिज के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर साजिटेरियस हेल्थ के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर सेजिटेरियस यूनिवर्स प्लीज बताइए इलेवन टू ट्वेंटी अक्टूबर मैसेजेस फॉर सैजिटेरियस यूनिवर्स प्लीज बताइए नेक्स्ट टेन डेज सैजिटेरियस व्हेन इट कम्स टू योर करियर आई फील काफी स्ट्रगल है काफी चैलेंजेस है मे बी आप में से कोई um, किसी कोर्ट केस से डील कर रहा है कहीं कोई लीगल legal, लीगालिटी कहीं पे कुछ फंसा हुआ है या फंस सकता है नेक्स्ट टेन डेज में मे भी आप किसी पे कोर्ट केस करो एंड ऑफकोर्स उसमें आपका भी टाइम लगेगा आपको भी प्रेजेंट होना पड़ेगा जाना पड़ेगा या फिर कोई और आप पे कोर्ट केस कर रहा है या कुछ लीगल डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कुछ कहीं फंस गए हैं कोई क्लॉज में फंस गए हैं लीगालिटीज में फंसे हुए दिख रहे हैं एंड चीजें आगे नहीं बढ़ रही हैं चैलेंजेस आ रहे हैं मुश्किलें आ रही हैं स्ट्रगल कर रहे हो आप क्या करें कैसे आगे बढ़े इस चीज से बाहर कैसे निकले तो थोड़ा सा मुझे चीजें मुश्किल दिख रही है करियर पॉइंट ऑफ व्यू से लीगल <coughs> मुश्किलें एंटर करती दिख रही हैं इन योर प्रोफेशनल स्पेस ओके Uh, मुझे ऐसा लग रहा है वन इट कम्स टू मनी ना आपको थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ेगा यू विल हैव हैव टू टू स्टेप आउट ऑफ योर जोन एंड यू विल टेक और है फाइव टेन फिफ्टीन परसेंट कैलकुलेशन करा हो आपने कि हाँ ठीक है आगे कैसे मूव करना है वॉट इज द वे फॉरवर्ड बट नॉट लाइक एस इंटायर प्लानिंग नहीं एंड समथिंग दैट यू हैव नेवर डन बिफोर और उतर गए आप उसमें कूद गए कि हाँ ठीक है मैं रिस्क लेना है मुझे कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है मैं तो करूंगा तो जब आप वो रिस्क लोगे ठीक है वो एक नई अपॉर्चुनिटी, नई बिगनिंग अपनी लाइफ में लाओगे तभी आपको पैसे मिलेंगे इट कुड बी योर वे ऑफ लिविंग ठीक है न्यू वे ऑफ लिविंग इट कुड बी अ न्यू जॉब इट कुड बी न्यू इन्वेस्टमेंट समथिंग आप उस तरीके से इन्वेस्ट नहीं करते हो बट नए तरीके से कुछ करना पड़ेगा आपको बट जब आप ये चांस लोगे तब आपके पास पैसे आएंगे कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए रिस्क लीजिए चांस लीजिए ऑल्सो आई फील आप की जो मैरिज है ना टॉरस वोगो केप्रिकॉन और यहाँ पे आपको काफी एक कंप्लीशन वाली फीलिंग आ रही है आपको लग रहा है कि आ सकती है नेक्स्ट टेन डेज में वेर एन यू माइट फील कि हाँ मेरा जो पार्टनर है मैं हूं लाइक आई आई एम फीलिंग कम्प्लीट विद पर्सन एक वो कंप्लीशन वाली चीज होती है कि हाँ मुझे अब और कुछ नहीं चाहिए वो हो सकता है या फिर आप एक साइकिल आ रही है, क्योंकि celebration भी दिख रहा है हमें तो शायद एनिवर्सरी आ रही है उस चीज का सेलिब्रेशन है या फिर एंड कंप्लीशन है ऑफ सर्ट एन नंबर ऑफ यूर्स तो वो भी चीज हो सकती है बट बोथ ऑफ यू आर वेरी हैप्पी टूगेदर आप बहुत फुलफिल फील करते हैं एक दूसरे के साथ आप बहुत आपका रिलेशनशिप बहुत सक्सेसफुल हो रहा है होने की तरफ है कंप्लीशन uh, दिख रहा है रेकग्नेशन दिख रहा है मे बी शादी हुई नहीं है बट शादी करने वाले हैं एंड अपने रिलेशनशिप के ऊपर एक एक स्टैम्प होता है ना रेकग्नाइज करना सोसाइटी के सामने कि हाँ नाउ वी आर मैरिड और नाउ प्रॉब्ली वी आर एंगेज एंड वी ऑफ ये एवरीथिंग So, वो चीज हो सकती है बट सेलिब्रेशन सक्सेस एंड एवरी थिंग है <coughs> um, अब देखिए कुछ मैसेजेस मेरे पास ये भी हैं कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं पार्टी कर रहे हैं um, हो सकता है मैरिज होने वाली है यहाँ पे मैरिज uh, होने वाली है तो उससे पहले शायद बैचलर बैचलर एट पार्टी री यूनियन ऑफ सम बट फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं ठीक है कुछ तो बाहर जाके कुछ रीयूनियन पार्टी सेलिब्रेशन हैविंग फन बेसिकली ऑल्सो फॉर वेरी फ्यू ऑफ यू थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट भी हो सकता है आपकी शादी में इवन दो एवरीथिंग इज वेरी नाइस एंड वेरी हैप्पी एंड बोथ ऑफ यू आर वेरी सेटिस्फाइड एंड फुलफिल्ड विद ईच अदर लाइक फिजिकली मेंटली इमोशनली बट कोई नया इंसान थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट जरूरी नहीं है कि Uh, एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ही हो थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट ये भी हो सकता है कि लेट से आप आपकी मॉम है वो आप दोनों के बीच में आ जाए राइट right? uh, थोड़ा सा आप अपनी मॉम की साइड लेने लग जाओ मॉम बीच में आ जाए मैरिज में एंड देन आपकी वाइफ हैप्पी ना हो या अगर आप फीमेल हैं अगेन आपकी मॉम भी आ सकती हैं बीच में एंड आपके हस्बैंड हैप्पी ना हो तो थर्ड पार्टी थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट वो भी हो सकता है जरूरी नहीं कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ही हो हमेशा <coughs> Uh, मुझे दिख रहा है कि कोई इंसान ना आपके बारे में बहुत गॉसिप कर रहा है एंड काफी क्यूरियस है जानने के लिए कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है आप कहाँ हो आप क्या बैठे हो क्या कर रहे हो लाइफ में कैसे आगे बढ़ रहे हो वेर आर यू एग्जैक्टली एवरीथिंग ठीक है टू बी प्रोसाइज एंड हो सकता है ये क्यूरियस है हो सकता है नेगेटिव फॉर्म में भी uh, आप ये आपकी गॉसिप आपके बारे में गॉसिप कर रहे हैं कि हाँ यू नो लाइक वो देखा था वो उस टाइम पे ये वो तो वो पॉजिटिव फॉर्म में क्यूरियोसिटी हो सकती है नेगेटिव फॉर्म में गॉसिप हो सकती है बट डेफिनेटली दिस पर्सन वांट्स टू नो व्हाट इज गोइंग ऑन इन योर लाइफ पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो आल्सो आई कैन फील कि आपका ना कोई बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से या पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से कोई प्रपोजल आ सकता है व्हिच कुड बी योर ड्रीम प्रपोजल ठीक है आपको यही चीज चाहिए थी एंड आपको ये चीज मिल रही है um, आपने इस चीज के बारे में सोचा था ड्रीम करा था हमेशा एंड uh, आपको वही चीज मिल रही है मे uh, बी आपने प्रोफेशनली किसी ऐसे इंसान के साथ पार्टनर करने का सोचा था कि हाँ ठीक है यू नो लाइक मुझे ऐसा बिजनेस पार्टनर मिलेगा एंड uh, इतना पिचिन होगा पैसा उसकी तरफ से एंड इतना मेरी तरफ से एंड हम लाइक like, बहुत ही पॉजिटिव एटमोसफेयर होगा नो टॉक्सिसिटी नथिंग मे बी आपने ऐसा ही अपने रोमांटिक पार्टनर के बारे में सोचा हो तो जो आपने सोचा था वही आपको मिल रहा है काफी लग्जूरियस लाइफ है इनका काफी गिफ्ट uh, एंड uh, दूसरे के लिए काफी चीजें करने में बिलीव करते हैं ये सो so, ये एक ऑफर लेकर आपके पास आ सकते हैं गिफ्ट भी आपको काफी मिल सकते हैं इनके थ्रू अः मनी मैरिज हेल्थ ओके सो हेल्थ के लिए लोअर uh, बैक में काफी दर्द हो सकता है थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कोई भी चीज ज्यादा भारी चीज मत उठाइएगा ठीक है हो सकता है शोल्डर्स में भी पेन हो जाए अगर कोई बहुत भारी चीज आप उठा ले तो थोड़ा सा आपको उस चीज का ध्यान देना है <coughs> ध्यान से चलिएगा ज्यादा अननेसेसरी एक्सरसाइजेस कोई नई एक्सरसाइजेस स्टार्ट करते हुए थोड़ा ध्यान दीजिएगा एंकल में लग सकती है एंकल में चोट लग सकती है अब हम देखते हैं टीली फॉर्चून डेक्स हमारे पास क्या मैसेजेस हैं फॉर बट उससे पहले अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए या आपको पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए मुझसे किसी भी चीज को लेकर हीलिंग हो गया या रेकी हो गया या क्रिस्टल्स हो गया तो आप अम, मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं स्क्रीन पे आ रहा है यहाँ पे नंबर आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मुझे अगर आपको लगता है कि आपको फिजिकल ब्लॉकेजेस है पीसीओडी सी ओडी थायरॉय माइग्रेन सोवाइकल साइनस या फिर आपको इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं आपको फियर ऑफ अबैंडनमेंट है रिलेशनशिप ट्रॉमा है फियर ऑफ आइसोलेशन है आपको चाइल्डहुड ट्रॉमा है, है, um, है क्लैरिटी नहीं है कॉन्फिडेंस की कमी है तो ये सारी चीजें बेसिकली इसलिए होती हैं बिकॉज आपके चक्रास ब्लॉक्ड होते हैं अब चक्रा को हम अनब्लॉक कैसे कर सकते हैं रेकी हीलिंग के थ्रू डिस्टेंस हीलिंग टेक्निक होती है ये एक आप रेकी क्रिस्टल्स के थ्रू भी करवा सकते हैं आप डिस्टेंस हीलिंग के थ्रू भी करवा सकते हैं जो जो होते हैं बेसिकली। जो भी आपको आपको हो। अगर आपको कुछ manifest करना है, तो मैं manifestation techniques भी बता सकती हूँ आपको। आपको, तबीयत बहुत जल्दी खराब होती है एंड नजर बहुत जल्दी लगती है तो हम आपका और क्लेंस कर सकते हैं अगर आपको किसी एक पर्टिकुलर इंसान या एक पर्टिकुलर सिचुएशन से कट ऑफ करना है तो हम कॉर्ड कटिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं आपके लिए अगर आपको ये देखना है कि आप लाइफ के किस ट्रांसफॉर्मेशनल स्टेज तक पहुंचे हो कौन सा आपका चक्रा वीक है जिस वजह से नेगेटिव एनर्जीज अफेक्ट कर रही हैं तो हम आपका और स्कैनिंग भी कर सकते हैं बट मैं हमेशा बोलती हूँ ये सारी हीलिंग प्रैक्टिसेस होती हैं गाइज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप बिलीव करें कि हीलिंग प्रैक्टिसेज वर्क करती हैं एंड ऑल्सो पेशेंस रखें अगर आपको लगता है कि हीलिंग इज इक्वल टू मैजिक स्पेल्स और जल्दी जल्दी सब हो जाएगा क्विक रिजल्ट चाहिए अगर देन हीलिंग इज नॉट फोर यू ठीक है बिकॉज होता क्या है फिर टाइम मनी एनर्जी दोनों पार्टी का वेस्ट होता है सो so, अगर आपको लगता है कि आपका दस साल का माइग्रेन में पांच दिन में या एक हफ्ते में या दो हफ्ते में ठीक कर दूंगी देन नो दैट नॉट पॉसिबल तो हीलर्स मैजिक स्पेल नहीं कर रहे होते हैं वो हीलिंग कर रहे होते हैं तो उस हिसाब से सोच के प्रिपेयर होके आइएगा ओके यूनिवर्स प्लीज बताइए क्या मैसेजेस है कर यूर हेल्थ वेल्थ मैरिज मनी नेक्स्ट टेन डेज इलेवन टू ट्वेंटी थोड़ा सा ध्यान अपने पे नहीं दिखाना है बाहर नहीं निकालना है ऑल्सो uh, ध्यान रखिए कहाँ पे गुस्सा निकाल रहे हैं किसके सामने निकाल रहे हैं हो सकता है आपको कोई जॉब मिलने वाली हो या कोई रेज मिलने वाला हो या फिर कोई प्रोजेक्ट मिलने वाला हो या कोई भी चीज आपके बेनिफिशियल लाइक बेनिफिट में कोई चीज होने वाली हो आपके फायदे ही कोई चीज होने वाली हो हो एंड वो ना बिकॉज दूसरा इंसान आपको देख ले लूजिंग कंट्रोल ठीक है एंड गुस्सा होते सो कंट्रोल योर एंगर अदरवाइज यू विल बी सॉरी बैकफायर हो सकती है चीजें आपका नुकसान हो सकता है अनसेटल्ड टाइम्स नीड टू प्लान अहेड देखिए अनसेटल्ड टाइम्स भी है हमारे पास एंड हमारे पास दो फूल भी है दो फूल विदाउट थिंकिंग रिस्क लेने वाले चीज एनर्जी डिपेक्ट करता है बताता है कन्वे करता है एंड यहाँ पे ऑफकोर्स अनसेटल टाइम्स है तो प्लानिंग करनी है सो आई फील थोड़ा सा ना आपको सिचुएशन टू सिचुएशन डिपेंड करता है थोड़ा सा आपको खुद देखना पड़ेगा कि कहाँ पे आप कितना रिस्क विदाउट प्लानिंग ले सकते हैं कहाँ तक आप वो ये कर सकते हैं कि ठीक है यू नो इसमें इतनी जरूरत नहीं है प्लानिंग की ये चीज कर लेते हैं एंड कहां पे आपको लगता है कि नहीं यार दिस इज टू मच This is a very, very huge risk. And here, I will like विलूज माई इंटायर लाइफ अगर मैं बिना कैलकुलेशन के या बिना प्लानिंग के अगर आगे चला गया तो और नुकसान हो गया तो सो so, आपको खुद थोड़ा सा देखना पड़ेगा कहाँ पे आपको प्लानिंग इंप्लीमेंट करनी है कहाँ पे यू कैन बी लाइक ठीक है रिस्क ले सकते हैं कर सकते हैं वो थोड़ा आप खुद देखिएगा सोलो ओवरऑल लॉस कोई चीज का नुकसान हो सकता है मे बी किसी इंसान का या फिर किसी रिलेशनशिप का या फिर कोई अपॉर्चुनिटी का बट किसी एक चीज के नुकसान होने पे आप थोड़ा सा उदास हो सकते हैं सैड हो सकते हैं आपको लग सकता है कि अच्छा यू नो अगर पहले ठीक से कोई चीज इसको ट्रीट करा होता इस इंसान को या यू नो लाइक टाइम स्पेंड करा होता तो इतना रिपेंट आप शायद नहीं करते तो थोड़ा सा उस लॉस पे ना एक मे भी टाइम स्पेंड करा हो आपने उस इंसान के साथ बट किसी के भी एग्जिट होने से जाने से कोई भी सिचुएशन चाहे वो जॉब हो कोई करियर हो कोई इंसान हो कोई रिलेशनशिप हो जब भी कोई चीज एंड होती है थोड़ा सा तो सैडनेस होती है ठीक है अनलेस एंड वो बहुत ही टॉक्सिक चीज हो सैजिटेरियस के लिए क्या मैसेजेस है यूनिवर्स प्लीज बताइए करियोरियस के लिए मैसेजेस नेक्स्ट टेन डेज

सक्सेस Success मिलेगा सक्सेसफुली ओवरकमिंग अ प्रॉब्लम दिक्कतों का सोल्यूशन आप निकाल रहे हैं एंड आगे बढ़ रहे हैं ऐसा नहीं है कि आपने प्रॉब्लम्स को वहीं का वहीं छोड़ दिया है कि हाँ मैं इस प्रॉब्लम के साथ डील नहीं करूंगा अपने आप सोल्यूशन निकल आएगा कोई नहीं सक्सेसफुली ओवरकमिंग अ प्रॉब्लम डील कर रहे हैं एंड देन आगे बढ़ रहे हैं मनी विल बी कमिंग टू यू पैसा आपके पास आ रहा है कम आए ज्यादा आए थोड़े टाइम में आए जैसे भी आए बट पैसा आपके पास आ रहा है so you have to keep faith in the universe you have to trust the universe and believe karna padega ki करना पड़ेगा कि हाँ out for me or things will work out for me in the end okay but uh, yes मोर or less मेरे पास यही मैसेजेस थे यूनिवर्स की तरफ से अगर आपको रीडिंग पसंद आई यू नो द ड्रिल लाइक करिए वीडियो शेयर करिए कॉमेंट करिए सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टारो को और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का थैंक यू बाय